नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम के साइंस स्टडी में। तो आज बात करने वाले हैं हम जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण अथवा जेनेटिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपका जीव विज्ञान का है। यहाँ पर देख सकते हैं जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, फुल डिटेल में देखेंगे इसको, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। तो देखते हैं पहले जेनेटिक कोड किसे कहते हैं। एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम को जो प्रोटीन अणु को कोड करते हैं, अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहलाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसकी खोज देखने, इसको किसने खोजा था, किसको जेनेटिक कोड को किसने खोज की थी। तो यहाँ पर दिया है जेनेटिक कोड की खोज के बारे में, आप क्या समझते हैं लिखिए। सन 1950 में नीरेनबर्ग ने सर्वप्रथम जेनेटिक कोड, यहाँ पर कोर्ट, सॉरी यहाँ पर कोर्ट की जगह कोड होगा, ट्रिपलेट की खोज की। इसमें इन्होंने एक ऐसे आरएनए का संश्लेषण मतलब निर्माण किया जिसमें यूवेस ऐसे उन्होंने पॉलीयूरसिल कहा, यूवेस का निर्माण किया और उन्हें पॉलीयूरसिल कहा। जब इन्होंने इसको ऐसे संवर्धन माध्यम में रखा जिसमें प्रोटीन्स संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव थे, तब इनसे प्रोटीन अभी प्राप्त हुए। अब देखते हैं जेनेटिक कोड के लक्षण या विशेषताएं। यहाँ पर यदि आपसे लक्षण पूछे तो भी आपको यही लिखना है और विशेषताएं पूछें तो भी आपको यही लिखना है। दोनों तरीके से बताने वाले हैं हम, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। जेनेटिक कोड की विशेषताएं और लक्षण निम्नलिखित हैं। तो पहला दिया है ट्रिपलेट कोड। प्रत्येक अनुवांशिक कोड तीन नाइट्रोजीनस क्षारकों के समूह का बना होता है, इसलिए इसको ट्रिपलेट कोड कहते हैं। अतः प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए क्षार समूह का बना एक कोड आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दूसरा, प्रारंभिक सिग्नल। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण का प्रारंभ एमआरएनए पर पाए जाने वाले एयूजी या जीयूजी कोडोन में होता है, मतलब जो एमआरएनए का संश्लेषण होता है वो एयूजी या जीयूजी कोडोन से होता है। यह क्रमशः मिथियोनिन तथा वेलिन क्या जो है क्या जो जेनेटिक कोड हैं, जो मिथियोनिन तथा वेलिन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। अब तीसरा देखते हैं रुकावट सिग्नल, मतलब जो आरएनए के निर्माण को रोकते हैं। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई निश्चित होती है, अतः श्रृंखला का निर्माण के बाद की क्रिया का समापन अवश्य होता है। एमआरएनए पर पाए जाने वाले तीन न्यूक्लियोटाइड यूएए, यूएजी तथा यूजीए किसी भी अमीनो अम्ल यहाँ पर हम की जगह आपको अम्ल लिखना हो, किसी भी अम्ल को कोड नहीं करते हैं। यह श्रृंखला निर्माण की क्रिया को रोकते हैं, जो भी यह श्रृंखला क्रिया को रोकते हैं उन्हें मैनरिंग कोडोन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर चौथा, चौथा दिया है सार्वत्रिक कोडोन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों में आनुवंशिक कोड एक समान होते हैं। उदाहरण स्वरूप विषाणु से उच्च श्रेणी के वृक्ष एवं मनुष्य तक यू 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 कोडोन फिनाइल एंड एलानिन को ही कोड करता है। पांचवा देखते हैं अन्य अतिव्यापित कोडोन। कोई भी दो कोडोन अतिव्यापन नहीं होते, अर्थात तीन न्यूक्लियोटाइड का बना एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को तथा, यहाँ पर कथा की जगह आपको तथा करना पड़ेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइप में, तीन न्यूक्लियोटाइड दूसरे अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोडोन अतिव्यापिता को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एमआरएनए पर स्थित कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड एक ही जेनेटिक कोड को भाग लेता है कोड का भाग लेता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर छठवा, एक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को
कोड करता है, दूसरे को नहीं करता है। और जहाँ पर आप शॉर्ट में भी देख सकते हैं इनकी विशेषताएं, जेनेटिक कोड की विशेषताएं, जेनेटिक कोड की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर पहले दी हुई है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, मतलब तीन के जोड़े में होते हैं। दूसरा देखते हैं जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं। तीसरा देखते हैं जेनेटिक कोड कोमा रहित होते हैं, मतलब इनमें कोमा नहीं होता है। चौथा देखते हैं जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, मतलब जो सभी में पाए जाते हैं। जैसे आपकी जेनेटिक कोड की वीडियो हमने बता दी, इनमें फुल वीडियो, यहाँ पर इसकी परिभाषा बता दी, इसकी खोज बता दी, किसने खोजी की थी, और इसके लक्षण और विशेषताएँ भी बता दी। यदि आपसे लक्षण पूछे तो भी आपको यही लिखना है, और विशेषताएँ पूछे तो भी आपको यही लिखना है। और हमने शॉर्ट में भी बता दिया है आपको, जो यहाँ पर नीचे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जो आपके कम अंक में आंसर उत्तर आता है, तो प्रश्न आता है। तो यदि आपकी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और अधिक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।